सो हे गाइस, जैसा कि यहाँ भी आपने वीडियो देखा वो जो था Xiaomi HyperOS का लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का, जो कि एक्सक्लूसिव एंड्रॉयड 14 का फीचर है और फाइनली इस बार Xiaomi के न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम Xiaomi HyperOS में आने वाला है। जी हाँ गाइस, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे आप सारी चीज़ें पब्लिश की थी जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। Xiaomi HyperOS लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन फर्स्ट लुक, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट वॉलपेपर देखने को मिलता है, डिफरेंट क्लॉक स्टाइल देखने को मिलता है और डिफरेंट यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं HyperOS के फर्स्ट लुक के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक न्यू कंट्रोल सेंटर, एक न्यू लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन और भी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे HyperOS के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी यहाँ पे HyperOS के लिए एक्साइटेड है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं हूँ यहाँ पे अभी MIUI 14 में, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Redmi Note 10 Pro यहाँ पे MIUI 14 इंस्टॉल है और यहाँ पे ये HyperOS का न्यू कंट्रोल सेंटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप में से बहुत सारे यूजर्स ने इंस्टॉल कर लिया होगा अगर वो टेलीग्राम पे एक्टिव होंगे तो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कल यहाँ पे फाइल शेयर कर दिया था, तो इन सब फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा फाइल एक साथ ही यहाँ पे मैंने पब्लिश किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है HyperOS का कंट्रोल सेंटर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस, वॉल्यूम, वाईफाई, मोबाइल डाटा और यहाँ पे मीडिया प्लेयर और यहाँ पे स्मार्ट होम डिवाइसेज जैसे कि Xiaomi होम, गूगल होम, मी स्मार्ट हब, ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दूसरे टॉगल्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से Xiaomi HyperOS का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन जो देखने को मिलता था वो यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, तो वो अब यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो सबसे पहले तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको HyperOS का आइकन्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो है गाइस HyperOS का आइकन है, जहाँ पे सेटिंग्स, फाइल मैनेजर, मतलब सारे आइकन्स यहाँ पे रिवैम्प किए गए रिफ्रेशिंग UI के साथ। यहाँ पे कैलकुलेटर, कॉन्टैक्ट्स, डाउनलोड और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिकॉर्डर का आइकन कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। सिक्योरिटी ऐप का आइकन यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में, मी डायलर, मैसेज, कैमरा का आइकन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, थीम का और यहाँ पे इस सब नोट्स ऐप का डिफरेंट आइकन देखने को मिलता है। बट आइकन के साथ साथ यहाँ पे अंदर का लेआउट भी चेंज हुआ है। जैसे कि सबसे पहले हम गैलरी ओपन करेंगे तो गैलरी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉटम में आपको फोटोज, एल्बम और रिकमेंड का जो सेक्शन टॉप में मिलता था वो अब यहाँ पे बॉटम में मिल चुका है। ये जो सारे फीचर्स है ये चाइना रोम पे, ग्लोबल में वर्क नहीं कर रहा है, ग्लोबल में सिर्फ कंट्रोल सेंटर ये वाला वर्क कर रहा है ग्लोबल और इंडिया में। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू बॉटम में आपको सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसा गैलरी में बॉटम में देखने को मिलता है, उसी तरह से यहाँ पे क्लॉक ऐप में भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक न्यू रिवैम्प्ड UI, रिफ्रेशिंग UI के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्लॉक ऐप भी, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद वेदर ऐप की बात करूं तो वेदर ऐप आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कम्प्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया है वेदर ऐप को, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको ब्राइट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्लाउड जिस तरह से आपके एरिया में मौसम है उस हिसाब से देखने को मिलेगा। 5-day फोरकास्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओल्ड वाला जैसे स्टाइल में देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एनिमेशंस भी बहुत बढ़िया है और ये जो है सबसे अमेजिंग देखने में लग रहा है, कम्प्लीटली वेदर ऐप को यहाँ पे रीडिजाइन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे चाइनीज कैलेंडर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर को रीडिजाइन कर दिया गया। चाइना में एक बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे आया, जो कि मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास चाइना रोम यूज़ करते हैं तो उसमें अब यहाँ पे आप इंडियन कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, अदर कैलेंडर यहाँ से इंडियन कैलेंडर को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ग्लोबल हॉलीडेज में यहाँ पे आपको कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या होगा गाइस कि अगर आप चाइना रोम पे है तो चाइना कैलेंडर के बजाय यहाँ पे आपको इंडियन कैलेंडर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 24 को दशहरा और यहाँ पे 12 तारीख की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं दीपावली देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं इंडियन कैलेंडर आप चाइना रोम में यूज़ कर सकते हैं फाइनली, जो कि यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो नेक्स्ट चेंज क्लॉक के बारे में यहाँ पे आपको मैंने दिखाई दिया। फाइल मैनेजर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है HyperOS में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इमेज, डॉक्यूमेंट, APK, वीडियोस, आर्काइव, फेवरेट, कैमरा, डाउनलोड, स्क्रीनशॉट, म्यूजिक, ये सब। और नीचे में यहाँ पे आपको फाइल्स ये सब देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फोन को मैं साइलेंट कर देता हूँ वरना यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। और उसके बाद यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पैनल में अभी कोई मेजर चेंज नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे डेटा यूजर्स का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, बट वो HyperOS के फाइनल अपडेट आएगा उसमें देखने को मिलेगा। ये सब जो चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सब APK के थ्रू मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये वेदर ऐप का मैंने अभी आपको दिखाई दिया, गैलरी ऐप दिखा दिया और एक मेजर चेंज है वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन इस बार HyperOS के साथ आने वाला है ग्लोबल और इंडिया में, जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा।
यहाँ पर देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आइकन फॉन्ट एडिशनल सेटिंग्स में बात करें तो यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिलता है ये वाला जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी बहुत सारे न्यू आए हैं बट वो अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहे, वो फाइनल रिलीज के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद बात करें नेक्स्ट चेंज के बारे में, तो नेक्स्ट चेंज के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का नेम था उसको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन एडिटर यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लॉक स्क्रीन में अपने विजेट्स, क्लॉक का डिफरेंट स्टाइल, डेप्थ इफेक्ट जैसे iOS 16, 17, Samsung यहाँ पे Google के Android 14 उन सब में देखने को मिलता है, कुछ उस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Xiaomi HyperOS में लॉक स्क्रीन, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाया था। और इसके बाद बात करें तो ये सेम जो कंट्रोल सेंटर है न्यू वाला, अगर आपके पास Xiaomi या Redmi का टैबलेट है तो उसमें भी यहाँ पे ये वर्क करेगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे मैंने ये Xiaomi HyperOS के चैनल में पब्लिश किया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर HyperOS के स्टॉक वॉलपेपर्स भी मैंने दे दिया है, जो कि एक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वॉलपेपर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब कंप्लीट मी हुआ ये अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो कि देख सकते हैं आपको देखने को मिलता है Xiaomi HyperOS, और ये जो है यहाँ पे Xiaomi 14 सीरीज के साथ लॉन्च होने वाला है। इसका शॉर्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो। और उसके बाद देख सकते हैं ये सब आपको HyperOS देखने को मिलता है, जहाँ पे न्यू आइकन्स, यहाँ पे फुल्ली न्यू कंट्रोल सेंटर, न्यू सिस्टम, सारा ऐप्स यहाँ पे सिस्टम ऐप जो थे रिवैम्प कर दिया गया है, और सबसे मेजर अपडेट लॉक स्क्रीन एडिटर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये है गाइस Xiaomi का HyperOS, इसका फर्स्ट लुक मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे ही दिया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर और भी बहुत सारे चेंजेस। मेजर चेंज आपको फाइनल अपडेट के बाद देखने को मिलेगा, और कौन कौन से डिवाइस को ये अपडेट आएगा उसके बारे में लॉन्च के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, मैं यहाँ पे वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।